दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री राम से जुड़े किस्से। अयोध्या में श्री राम। अयोध्या वो नगरी जहाँ श्री राम जन्मे थे, अयोध्या जहाँ उनका बचपन खेला था। आज मैं आपसे उन्हीं श्री राम के बचपन का एक अनूठा लेकिन रोचक किस्सा शेयर करती हूँ। प्रभु श्री राम, बालक राम, अपने पिता के सानिध्य और माँ के आंचल में राजमहल में बचपन बिता रहे थे। एक दिन बातों ही बातों में छोटे से श्री राम अपने पिता से पूछते हैं कि पिताश्री, बच्चों का उनके माता पिता के लिए क्या कर्तव्य होता है। तब राजा दशरथ मुस्कुराते हुए राम की बाल मुस्कान की ओर देखते हुए कहते हैं, जो पुत्र अपने पिता के मान सम्मान और यश के लिए स्वयं के सुख को त्याग दे, वही एक पुत्र का अपने पिता के लिए वास्तविक कर्म और धर्म होता है। राम पिता के शासन और प्रजा को उनसे भी अधिक बेहतर रूप से संभालते हुए पिता की कीर्ति और यश को बढ़ाना ही पुत्र धर्म है। राम एक छोटे से अबोध बालक के लिए पिता की बातें कितनी जरूरी थी। भले ही राम को ये बात समझ ना आई हो, लेकिन एक पुत्र को कैसा होना चाहिए ये उन्हें उसी समय समझ आ गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही राजा दशरथ की वो सीख थी जब राम ने बिना कोई प्रश्न किए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ऐसे ही सवालों के जवाब हम तलाशते रहेंगे त्रेता से कलयुग तक में। भगवान श्री राम और अयोध्या नगरी से जुड़ी रोचक किस्सों को मैं आपसे साझा भी करती रहूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये संवाद पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।